हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं अपने इस वीडियो में आपको केस स्टडी समझाऊंगी और ये केस स्टडी बेस्ड है चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आइए सिचुएशन देखते हैं और देखते हैं कि हम इस केस स्टडी को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में एक आपको ग्राफ दिया हुआ है, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है तो आपको कोऑर्डिनेट्स पढ़ने आने चाहिए। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। The students in a school are standing in rows and columns for a drill practice. A, B, C and D are the positions of four students. तो यहाँ पे चार बच्चे इन positions पे खड़े हैं। तो हमें obvious है कि इनके coordinates निकालने होंगे और उन कोऑर्डिनेट्स की मदद से क्वेश्चन आगे करना होगा। इस वीडियो में मैं आपको एमसीक्यू और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दोनों को करना सिखाऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि जरूरत जरूर पड़ेगी। ए जो है वो इस पॉइंट पे है जहां पे ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं। जैसे कि आप ग्राफ में देख सकते हैं, यहाँ 1 लिखा है और यहाँ 1 लिखा है, इसका मतलब ओरिजिन यहाँ है। तो अगर हम इस एक्सिस को कंप्लीट करें तो हम ये जान लेंगे कि हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो इससे हमारे ए बी सी डी चारों पॉजिटिव आएंगे, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स दोनों पॉजिटिव आएंगे। अब इसको रीड करने की कोशिश करते हैं हम। इसके अंदर जो कोऑर्डिनेट ए है, हम पहले एक्स काउंट करेंगे। तो जो कोऑर्डिनेट ए है वो अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो वो पॉइंट 3 पे आके इंटरसेक्ट करता है। तो एक्स कोऑर्डिनेट पॉइंट ए का है 3, और यहां से अगर हम ये ड्रॉ करते हैं तो ये जाके इंटरसेक्ट करता है वाई एक्सिस पे पॉइंट 5 को। तो ए के कोऑर्डिनेट हो गए 3.5, क्योंकि हम जब कोई भी कोऑर्डिनेट लिखते हैं वो हम एक्स कॉमा वाई लिखते हैं। पहले एक्स एक्सिस पे पढ़ेंगे जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, और फिर वाई एक्सिस पे पढ़ेंगे जो कि वर्टिकल लाइन होती है। अब हम पढ़ते हैं B के कोऑर्डिनेट्स। B यहाँ है और B पॉइंट आया है इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड दिस लाइन, यहां तक। तो पहले हमें X के ही पढ़ने हैं। X आ रहा है 7 पे, तो B का X कोऑर्डिनेट 7 और Y कोऑर्डिनेट हुआ 9। अगर आप ये उल्टा पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऐसे ही सी का कोऑर्डिनेट के लिए पहले हम एक्स एक्सिस के पॉइंट पढ़ेंगे जो है 11, और हम क्योंकि एक ही लाइन में ही है तो वाई एक्सिस का पॉइंट आ गया 5। अब आते हैं पॉइंट डी पर। डी है यहां जो काफी नियर अबाउट है एक्स एक्सिस के लिए, तो वो है 7 एंड इट इज एट अ हाइट ऑफ 1। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये लाइन आ रही है 1। तो इस तरीके से हमने ए बी सी डी चारों कोऑर्डिनेट्स पता कर लिया है। अब आगे देखते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी। जैसे कि हमने अभी 2 मिनट पहले ढूंढा है, हम वहीं से पढ़ लेते हैं कि ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे हैं 3.5 और बी के हैं 7.9। 3.5 और बी के हैं 7.9। तो ये ऑप्शन हम यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करते हैं। ए 3.5 थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में है, बट ऑप्शन 3 में बी के कोऑर्डिनेट सही हैं और फोर्थ में गलत हैं। तो हमारा आंसर
इस फर्स्ट वाले पार्ट का हो गया ऑप्शन 3, ये वाला मेरा आंसर है। ये हुआ हमारा एक एमसीक्यू क्वेश्चन। आइए एक दो और एमसीक्यू क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड डी? अब आप देखिए, बी यहां है, डी यहां है। क्योंकि बी और डी एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, हम इनके बॉक्सेस भी गिन सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आंसर 8 यूनिट्स होना चाहिए। लेकिन ये केस स्टडी का क्वेश्चन है, तो इसको एक बार हम डिस्टेंस फॉर्मूले से भी वेरीफाई कर लेते हैं, जिसके लिए मुझे बी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे, जो है 7, 9, और डी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे, जो है 7, 1। अब हम निकालते हैं बी डी डिस्टेंस। फॉर्मूला लिख लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 - x1 होल स्क्वायर + y2 - y1 होल स्क्वायर। यहाँ बी के कोऑर्डिनेट्स को हम x1 y1 ले लेते हैं और डी के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 ले लेते हैं। आइए सब्स्टिट्यूशन करते हैं। ये हो जाएगा 7 - 7 स्क्वायर + 1 - 9 स्क्वायर। 7 - 7 हो गया 0, 0 का स्क्वायर 0, उसको दिखाने की जरूरत नहीं है, सीधा 0 लिख सकते हैं। और -8 का स्क्वायर हो गया 8 स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर है तो माइनस आपका नल एंड वॉइड हो गया, अब्सॉर्ब हो गया, माइनस इनटू माइनस आया वो अब्सॉर्ब हो गया। तो ये हो गया √8 स्क्वायर, जो हो गया 8। तो इसका आंसर हमारा 8 यूनिट्स है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड डी? 8 यूनिट्स। आप ग्राफ से भी स्टडी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये नहीं समझ आए कि ग्राफ से कैसे पढ़ना है, तो आप डिस्टेंस फॉर्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए अब इसका सी पार्ट देखते हैं। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिरर इमेज ऑफ पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। हम याद कर लेते हैं कि हमारा ए का कोऑर्डिनेट क्या था। ए का कोऑर्डिनेट हमारा था 3, 5। अब हमें इसकी मिरर इमेज निकालनी है। मिरर इमेज का मतलब ये होता है, मान लीजिए ये दो एक्सेस हैं, अगर मुझे मिरर इमेज निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सेस, दैट मीन्स वाई एक्ट एज अ मिरर। अब यहां पे कहीं ये पॉइंट ए है 3, 5, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट है। अब क्योंकि हमें विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस निकालना है, तो हम मानेंगे कि यहां पे हमारा मिरर लगा है। तो जब यहां मिरर है, तो इसका इमेज सेकेंड क्वाड्रेंट में फॉल करेगा। अब ये यहां पे 3 है, अब ये जब सेकेंड क्वाड्रेंट में फॉल करेगा, तो आप देखिए, मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना देती हूँ, ये जो पॉइंट 3 है वो इधर आ जाएगा, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में आते ही वो -3 हो जाएगा। जो ए है उसका इमेज इधर फॉल करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में फॉल करेगा, तो इसमें वाई कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा। तो यहां जब पॉइंट आएगा सेकेंड कोऑर्डिनेट क्वाड्रेंट में, तो वो हो जाएगा -3, 5। तो बच्चों, इसको हम याद भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं कि अगर हमें मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस ढूंढनी है, तो वाई चेंज नहीं होगा अगर हमें मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस देखनी है, तो वाई चेंज नहीं होगा। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, मिरर इमेज को डैश से, ए डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो नहीं चेंज होगा उसे पहले लिख लीजिए।
अब 3 चेंज हो जाएगा उसका एडिटिव इनवर्स वाले नंबर में, तो -3। तो मिरर इमेज ऑफ पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस विल बी -3.5 विच इज ऑप्शन 2। आगे चलते हैं, डी डी क्वेश्चन करते हैं हम इसका डी पार्ट। इफ ऑल द स्टूडेंट्स मूव 2 यूनिट्स टू द राइट, व्हाट विल बी द न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी सी एंड डी। अब देखिए इसके अंदर कोई भी एमसीक्यू नहीं दिया, यहाँ पे डी पार्ट में कोई ऑप्शन नहीं दिया, क्योंकि सीबीएसई हर साल कुछ अलग दे रही है पेपर में। कभी उसमें एमसीक्यू के ऑप्शंस आ रहे हैं, कभी उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मैंने दोनों ही लेने की कोशिश करी है ताकि आपको हर तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस मिल सके। अब इसके अंदर क्वेश्चन कह रहा है कि सारे बच्चे 2 यूनिट्स शिफ्ट हो गए, पूरा अरेंजमेंट 2 यूनिट शिफ्ट हो गया। तो अब आप ढूंढ के बताइए कि नए कोऑर्डिनेट्स ए बी सी डी के क्या होंगे नए अरेंजमेंट के हिसाब से। आइए कोशिश करते हैं ढूंढने की, क्योंकि ये 2 यूनिट राइट को शिफ्ट हुए हैं, तो राइट की मूवमेंट का मतलब है मूवमेंट ऑन एक्स एक्सिस। इसका मतलब हमारे वाई कोऑर्डिनेट नहीं चेंज होंगे, क्योंकि अप एंड डाउन नहीं हुई। अगर अप एंड डाउन होती तो वाई एक्सिस पे होती, लेफ्ट और राइट है तो एक्स एक्सिस पे होगी। अब क्योंकि ये 2 यूनिट राइट को मूव करे हैं, तो ए का पहला कोऑर्डिनेट था 3.5, अब नया कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5.5, क्योंकि यहां पे पहले ए था, ये 3.5 था, एक्स एक्सिस बढ़ गया, तो इसमें +2 यूनिट्स होंगे, वाई में नहीं होंगे, क्योंकि हाइट नहीं बढ़ी, वो 7 तक, वो ए ऊपर नहीं शिफ्ट हो रहा है, ए राइट में शिफ्ट हो रहा है। तो इसकी वजह से मूवमेंट एक्स एक्सिस पे इंपैक्ट डालेगी, वाई एक्सिस पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। इसी तरीके से वाई बी कोऑर्डिनेट जो था 7.9 अब हो गया है 9.9। आप चेक भी कर सकते हैं, अब नया कोऑर्डिनेट बी का इधर आ गया, तो ये एक्स एक्सिस के लिए 9, वाई के लिए भी 9, ऐसे ही नया कोऑर्डिनेट ए इधर आ गया। अब चलते हैं सी पे। सी पहले 11 पे था, अब ये 2 और शिफ्ट हुआ तो 13, और वाई एक्सिस की हाइट रहेगी 5। अब लास्ट कोऑर्डिनेट देखते हैं डी, जो पहले 7 पे था, अब आ गया इधर, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 9.1। इस तरीके से हमने इसके नए कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, ये हमारे नए कोऑर्डिनेट्स हैं। अब इसके लास्ट पार्ट पे, अब इसके सेकंड लास्ट पार्ट पे चलते हैं। नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड डी, आइए देखते हैं। बी अब यहां है, अब डी यहां है, क्योंकि दोनों बच्चे 2 यूनिट राइट को शिफ्ट हुए हैं, दोनों ही हुए हैं, इसलिए डिस्टेंस अगर आप देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 स्टिल द सेम। सो नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड डी, इट इज 8 यूनिट्स। क्या रीजन लिख सकते हैं हम, सिंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी इज 9.9 एंड ऑफ डी इज 9.1। नाउ इफ यू अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला, तो ये आ जाएगा 9 - 9 होल स्क्वायर, x2 - x1 होल स्क्वायर, 1 - 9 होल स्क्वायर।
So this is 0 square, this is 8 square, which is 8 units again. इस आंसर को आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं. अब चलते हैं इसके लास्ट पार्ट पे. नेम द फिगर ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग ए बी सी एंड डी. इसके अंदर अगर हम न्यू अरेंजमेंट में ए बी सी डी को जॉइन कर देते हैं तो ये फिगर क्या बनेगी. देखने से तो स्क्वायर या रोम्बस लग रही है, लेकिन डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के हम पक्का पता कर सकते हैं. तो आइए डिस्टेंस निकालते हैं और ये कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं. ए है 5.5, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 5.5, बी कोऑर्डिनेट्स आर 9.9. कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी आर 13.5 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी इज 9.1. बहुत ध्यान से लिख लेते हैं. अगर हम कहते हैं कि ये स्क्वायर है तो हमें ये दिखाना पड़ेगा ऑल द साइड्स इन द स्क्वायर आर इक्वल. अगर हम इसको ए बी सी डी बना देते हैं तो हमें ए बी की लेंथ निकालनी है और मुझे बी सी की लेंथ निकालनी है, सी डी की लेंथ निकालनी है और डी ए की लेंथ निकालनी है. अगर ये चारों साइड इक्वल आ गई तो या तो ये फिगर रोम्बस बनेगी, क्योंकि रोम्बस में भी ऑल साइड इक्वल होते हैं, या ये फिगर स्क्वायर बनेगी. आइए चेक करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं. डिस्टेंस फॉर्मूला होता है एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर. इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, हम ए बी को कंपेयर कर रहे हैं तो ये एक्स टू हो गया, ये एक्स वन, नाइन माइनस फाइव होल स्क्वायर, 9 माइनस 5 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये हो गया 16 प्लस 16, तो ये हो गया आपका अंडर द रूट 32 भी लिख सकते हैं, और क्योंकि 16 दो बार आ रहा है तो 2 इंटू 16 भी लिख सकते हैं, जो आसानी से 4 रूट 2 निकल जाएगा. नहीं तो आप रूट 32 करके उसका फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं. अब अंडर द रूट बीसी निकालते हैं जो है 13 माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 9 होल स्क्वायर. अब ये देखिए ये उतना ही आ रहा है, 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर जो कि ऊपर आया था, तो हम डायरेक्टली 4 रूट 2 लिख देते हैं. अब चलते हैं सी डी पे जिसमें अंडर द रूट नंबर आएंगे 9 माइनस 13. बहुत ध्यान ध्यान से सब्स्टिट्यूट करना है, 1 माइनस 5, ये हो गया 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, जो सॉल्व करेंगे तो आएगा 4 रूट 2. अब हम करेंगे डी ए जो हो जाएगा 9 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 होल स्क्वायर, जो हो गया आपका 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. अगर आप अंडर द रूट में सेम नंबर्स देख रहे हैं तो ये कैलकुलेशंस आपको बार बार करके दिखाने की नहीं जरूरत है, सीधा आप ये नंबर लिख सकते हैं. अब इन चार स्टेप से because AB is equal to BC equals to CD equals to DA हमारा आ गया है, so the figure can be a rhombus or a square. लेकिन हमें एक figure बतानी है, तो अब हम check करते हैं distance of the diagonal. Square के अंदर diagonal equal होते हैं, rhombus में unequal होते हैं. तो अगर AC का डिस्टेंस BD के इक्वल आ गया तो
तो हम कह पाएंगे कि ये फिगर स्क्वायर है नहीं तो रॉम्बस है। आइए एसी का डिस्टेंस निकालते हैं। एसी मतलब 13 - 5 होल स्क्वायर प्लस 5 - 5 होल स्क्वायर। 5 - 5 इसलिए आया है क्योंकि ए और सी आपका एक ही लाइन में है जो कि एट अ हाइट ऑफ 5 सेंटीमीटर है। तो 13 - 5 इज 8 स्क्वायर प्लस 0 विच विल बी अंडर द रूट 8 स्क्वायर। आप 8 स्क्वायर को 64 भी लिख सकते हैं या 8 स्क्वायर रखे रहने दे सकते हैं और सीधा 8 यूनिट्स आ जाएगा। ऐसे ही आप बीडी निकाल लीजिए जो कि आप काफी बार पहले भी निकाल चुके हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 9 - 9 0 और 1 - 9 होल स्क्वायर। तो ये आ गया आपका 0 प्लस 8 स्क्वायर इक्वल्स टू 8। तो अब हमने ये जाना कि ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू डी ए एंड ए सी इज इक्वल टू बी डी एज ऑल साइड्स आर इक्वल एंड द diagonals are also equal hence ABCD is a square। तो ये एक टू मार्कर आ सकता है जैसे प्रेजेंटली अभी सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर दिया है उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2 मार्क का। तो ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क का आ सकता है, ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क का आ सकता है और ये एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं तो ये भी 1 मार्कर है। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस बाय क्लिकिंग ऑन द सब्सक्राइब बटन बिलो। ऑल्सो विजिट आवर वेबसाइट www.studiestoday.com for free study material like sample papers, solved question papers, worksheet, online test, and concept notes made by the teachers of leading schools in India.